नमस्कार दोस्तों, सीए सेंटर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। ज्योग्राफी का एक काफ़ी पॉपुलर सब्जेक्ट लेकर के टॉपिक आए हैं, और जिसको हम कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम पहले हम इसका डेफिनेशन मतलब समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। मोस्टली इंडिया का जो रिवर ड्रेनेज सिस्टम है, या फिर रिवर जो बेसिन है, जो या फिर रिवर का जो क्राइटेरिया है, या उनके फ्लो करने का या ओरिजिन होने के सोर्स के बेसिस पे हम इंडिया की रिवर सिस्टम को दो पार्ट में हम डिवीजन करते हैं। एक को कहते हैं हिमालयन रिवर और दूसरे को कहते हैं कि पेनिनसुलर रिवर। हमें पहले हिमालयन से पता चल जाता है, जो हिमालय है, हिमालय इंडिया का जो बॉर्डर बनता है चाइना, नेपाल, भूटान, इंडिया के बीच में, वो तो हमें समझ में आता है। लेकिन पेनिनसुला का मतलब ये होता है कि जो इंडिया का साउदर्न पार्ट पड़ जाता है। जैसे अगर आप आधा एमपी, गुजरात और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के नीचे जितने भी स्टेट हैं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, आंध्र प्रदेश, ये सारे स्टेट को हम जॉइंटली बोलते हैं पेनिनसुला प्लेट या फिर एरिया बोलते हैं। उन्हीं के नाम के बेसिस पे हम पेनिनसुलर रिवर भी बोलते हैं। बेसिन का मतलब हम पहले एक थोड़ा सा फ्लो चार्ट में देखते हैं कि कैसे हम देखते हैं इनको। देखिए, समझिए कि ये एक ऐसे मेजर रिवर जा रही है, ये रिवर जा रही है, ठीक है, और इसकी कई ट्रिब्यूटरी है। ये मेन रिवर है आपकी, और ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। ये भी हो सकता है कि इसकी भी एक ट्रिब्यूटरी हो और एक इसकी भी ट्रिब्यूटरी, तो कुछ इस तरह का हमें देखने को मिलता है। ऐसे ही इस तरह भी होते हैं छोटे छोटे, ऐसा होता है डायग्राम। ये डायग्राम अगर आप देखेंगे, हालांकि मेन रिवर तो एक ही है, बस इसका जो एक ही वाटर लेवल इसमें जो यहाँ तक फ्लो अगर ड्रेन करता है कहीं, तो यहाँ तक के जाता है और इधर तक, इसी को हम रिवर बेसिन बोलते हैं। और जब ड्रेनेज की बात आती है, मतलब कहाँ पे वो अपने वाटर डिस्चार्ज करती हैं और किस फ्लो में करती हैं, तो हम इंडिया के रिवर को दो पार्ट में डिवीजन करते हैं, एक हिमालय रिवर और एक पेनिनसुला रिवर या फिर डेक्कन रिवर के सिस्टम के नाम से जानते हैं। अगर हम हिमालय के रिवर की बात करते हैं, तो उसमें तीन मेजर रिवर बेसिन देखने को मिलती है। एक आपकी गंगा जो हो गई, दूसरी हो गई इंडस जिसको सिंधु हिंदू में बोलते हैं, और तीसरी हो गई जो कि ब्रह्मपुत्रा। ये तीनों रिवर हिमालय से ओरिजिन होती हैं, और स्पेशली अगर हम इनकी बात करें, क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा और इंडस रिवर की, तो ये जो तिब्बत का प्लेटू पड़ता है वहाँ से इनका ओरिजिन होता है। लेकिन जब हम गंगा की बात करते हैं, तो ये उत्तर गंगोत्री जो उत्तराखंड के जो या फिर हिमालय का जो माउंटेनियर एरिया पड़ता है, वहाँ से ग्लेशियर से ओरिजिन होती है। हालांकि कई रिवर्स के जो ड्रेनेज या बेसिन से मिलकर के फाइनली एक जो कि गंगा रिवर बनती है। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं बस इनके फीचर्स क्या हैं। जैसे अगर ब्रह्मपुत्रा या गंगा या फिर सिंधु रिवर, दूसरी तरफ हो गई कृष्णा, गोदावरी, महानदी, नर्मदा, तापी जैसी रिवर्स की, ये फीचर्स के हम कंपेरिजन करेंगे। कंपेरिजन इस बेसिस पे करेंगे कि उनकी जो वाटर कैपेसिटी होल्ड करने की कितनी है। अगर वो वाटर फ्लो कर रहा है एक ओरिजिन से लेकर के आपका लास्ट डेस्टिनेशन जहाँ पे ड्रेनेज कर रही है अपनी वाटर को, उनके बीच में किस तरह के फीचर्स होते हैं, और वो फीचर्स बनते हैं तो उसके पीछे रीजंस क्या होते हैं, क्या वाटर कैपेसिटी या वाटर लेवल हमेशा बराबर होता है या फिर फ्लैक्चुएट करता है, इस बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे। पहले हम आते हैं हिमालय रिवर के बारे में बात करेंगे। हिमालय रिवर को पेरेनियल रिवर बोला जाता है, पेरेनियल इन द सेंस कि इनमें 12 के 12 महीने वाटर लेवल ऑलमोस्ट कर सकते हो कि ठीक ठाक रहता है। लेकिन पेनिनसुलर रिवर के केस में ऐसा नहीं होता है। उम्र वो उसमें जो कि अमूमन सीजनल होता है, सीजनल इन द सेंस कि बारिश का जब मौसम होता है, जो मानसून से सीजन होता है इंडिया का, उस टाइम पीरियड में होता है। जैसे अगर हम बात करें आपसे कि मानसून सीजन कब होता है इंडिया में, तो वो आपका जून से लेकर के ऑलमोस्ट सितंबर लास्ट तक महीने तक होता है। अगर दूसरी चीज़ हम बात करें, पेरेनियल रिवर क्यों है जो कि
हिमालय रिवर, दो रीजन है। एक तो जब आप समर का सीजन आता है तो आइस जो कि हीट की वजह से जो कि मेल्ट होती है और वो वाटर के फॉर्म में रिवर में फ्लो करता है। दूसरी चीज ये होती है जब इनका मानसून सेशन सीजन आता है तो इनको रेनफॉल या फिर जो वर्षा होती है उससे जो इनको वाटर मिलता है, इस वजह से इनके वाटर लेवल हमेशा बने रहते हैं। लेकिन इन पेनिनसुलर रिवर की केस में ऐसा नहीं होता है, वो वहाँ पे ऐसा कोई आइस शीट हिमालय जैसा नहीं पाया जाता। दूसरी चीज़ ये हो गई कि अगर यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे देख लीजिए पेरिनियल रिवर है। दूसरी चीज़ ये हो गई कि ऑफ़ लार्ज एरिया मतलब लार्ज एरिया कवर करती है कौन, जो हिमालयन रिवर होती है। आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, पूरा तिब्बत का प्लेटू कवर करती है, फिर उसके बाद पूरा आपके नॉर्थ इंडिया को पार्ट कवर करती है, फिर उसके बाद जाके बांग्लादेश में फ्लो करती है। गंगा की देख लीजिए उत्तराखंड से निकलती है जो कि हरिद्वार होते हुए आ जाती है यूपी में, पूरा यूपी के मिडल मतलब बराबर पार्टों में फ्लो करते हुए आपका जाती है बिहार में, जाती है बंगाल में, जाती है वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में जाकर फिर फ्लो करती है। आप इंडस रिवर की बात कर ले, इंडिया में जाती है पाकिस्तान में आलमोस्ट अच्छा खासा एरिया कवर करती है, तो इस वजह से इनकी एरिया बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात अगर हम पेनिनसुलर रिवर की बात करते हैं तो उनकी एरिया बहुत छोटी होती है, छोटी दो रीजन की वजह से होती है। पहली बात तो इनकी जो स्लोप है, जो पेनिनसुला प्लेटू है उसका जो स्लोप है बहुत ही ज़्यादा है और इस वजह से इनको वाटर होल्ड करने की टाइम नहीं मिल पाता और ये जल्द से जल्द वाटर को ड्रेन कर देती है। दूसरी चीज़ ये आ गई कि जो पेनिनसुलर रिवर होती हैं उनके जो रॉक्स होते हैं जहाँ मिट्टियाँ होती है वो बहुत हार्ड होती हैं, लेकिन जब हम हिमालय रिवर के केस में आते हैं तो हिमालय रिवर की जो वे होती हैं सॉइल होती है, जो लैंड होता है बहुत सॉफ्ट होता है, वो आसानी से इरोड हो जाता है और ज़्यादा एरिया कवर कर लेती हैं जब रेनफॉल प्रॉपरली होती है। हमेशा आप सुनते होंगे फ्लड का केसेस हुई हैं। लास्ट नेक्स्ट में आते हैं इनके जो सोर्स होते हैं, जो सोर्स होते हैं मतलब ओरिजिन ऑफ द रिवर, प्लेस ऑफ द ओरिजिन। तो ये जो ओरिजिन होता है, जैसे आपको मान लीजिए कि मैं बात करूं कि ब्रह्मपुत्र इंडस या फिर आप कह सकते हो कि इसका क्या बोलते हैं गंगा का, आप देख सकते हैं उत्तराखंड या फिर तिब्बत प्लेटू मानसरोवर के आसपास पड़ जाता है। लेकिन अगर हम पेनिनसुला रिवर में एक एग्जांपल ले, तापी ले या फिर नर्मदा के ले ले या फिर हम ले ले क्या बोलते हैं कृष्णा गोदावरी की, तो इनके बहुत छोटे छोटे होते हैं डिस्टेंस होते हैं ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर होते हैं। लेकिन पेनिनसुला जो हिमालय रिवर होती हैं उनके केस में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ है लेस नंबर ऑफ रिवर ड्रेन इन द ओशन और इसमें बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन देखिए ये चीज़ है कि जैसे नॉर्थ इंडिया का जो रिवर होती है या जो हिमालय रिवर है इनको अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं एग्जांपल करूँ गंगा, जो ब्रह्म गंगा ही एक ऐसी रिवर है जो आपके पूरा नॉर्थ इंडिया का ऑलमोस्ट या फिर ब्रह्मपुत्र है या फिर इंडस रिवर है, यही तीन रिवर जा कर के मेन ओशन वाटर में मर्ज होती हैं। अदरवाइज बाकी जितनी भी होती हैं कहीं ना कहीं जा करके किसी न किसी रिवर की ट्रिब्यूटरी बन जाए। ट्रिब्यूटरी का मतलब है सहयोगी रिवर। जैसे मैं बात करूँ गंगा के कॉन्टेक्स्ट में, गंगा के कॉन्टेक्स्ट में यमुना के आप ले लीजिए, यमुना जो दिल्ली भी उसी शहर में बसा हुआ, आगरा बसा हुआ है, तो वो क्या करता है कि गंगा भी जा करके यमुना भी जा करके गंगा का ट्रिब्यूटरी बन जाती है। दूसरी चीज आती है चंबल होती है, केन होती है, बेतवा रिवर है, ये भी जो कि यमुना का ट्रिब्यूटरी बन जाती हैं। गंगा केन बेतवा जैसी रिवर यमुना का बनती है और यमुना जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी बन जाती है। वैसे ही गोमती रिवर है, गोमती रिवर भी जो है कि आपकी गंगा की ट्रिब्यूटरी, गंडक है, काली है, राइट, ये सारी जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी होती हैं। अगर हम ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करते हैं उसकी भी बहुत सी ट्रिब्यूटरी जैसे तिस्ता होती है, दिहांग होती है, दिबांग होती है, लोहित होती है, ये सारी जाकर के कहीं ना कहीं एक जो है कि ब्रह्मपुत्र की। एक होशियारी रिवर अभी न्यूज में रही है वो भी जो है कि ट्रिब्यूटरी है, किसकी है, ब्रह्मपुत्र। दूसरी चीज़ ये है कि जब गंगा जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसको जो कि पद्मा के नाम से जाना जाता है, जब ब्रह्मपुत्र गंगा में बांग्लादेश में एंटर करती तो उसको जमुना के नाम से जाना जाता है और दोनों मिलती हैं, पद्मा के नाम से आगे फ्लो करती हैं। लेकिन लास्ट में जाते
भैया बंगाल में अपना मर्ज होने से पहले इनको मेघना नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये मेघना नाम की ट्रिब्यूटरी इनके पद्मा के साथ मिल जाती है। तो ये हमें थोड़ा सा कम, लेकिन पेनासुला रिवर के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा नहीं है। बहुत से छोटे छोटे रिवर, आपको बता दूँ 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर की रिवर भी ट्रिब्यूटरी नहीं बनती है, ऑलमोस्ट जाकर के वो मेन रिवर में करती थी। उसके पीछे भी रीजन ये है कि इनके स्लोप इतना तगड़ा, इतना ज़्यादा है कि वो मर्ज किसी ट्रिब्यूटरी नहीं बन पाती हैं, और इस वजह से जाकर के वो मेन रिवर में मिल जाती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम डीप वैली। डीप वैली होती है अवगौर। देखिए अब दूसरी चीज़ ये है कि हमने कहा कि सॉयल जहाँ से रिवर फ्लो करती है, जो लैंड एरिया है, जो इंडिया नॉर्थ नॉर्थ पड़े, जो हिमालय रेंज का पड़े, वो वहाँ की सॉयल बहुत सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट का मतलब ये होता है कि इरोडेड, लोडेड, या फिर जो लोड करके लाती हैं रिवर वो फ्लो करती है, मतलब वो एलिवियल, मतलब कि ये ऐसी नई फर्टाइल सॉइल होती है, उनको आसानी से बहा करके ले जाया जा सकता है रिवर के माध्यम से। बट इन द पेनिनसुलर रिवर के केस में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनके जो रॉक्स होते हैं या फिर जो लैंड एरिया है इतना स्ट्रॉन्ग है, मतलब इतना हार्ड होता है, उनको रिवर को इरोड करने की कैपेसिटी, क्योंकि उनकी वाटर कैपेसिटी भी कम होती है, जो कि पेनिनसुला रिवर की जो दैना हिमालय रिवर से। तो इस वजह से वो इरोड भी नहीं कर पाते, और अगर इरोड करना भी चाहें तो वो कर नहीं सकती, क्योंकि रॉक्स या फिर जो लैंड या सॉयल है पेनिनसुला एरिया का बहुत ही सॉलिड, बहुत स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है। नेक्स्ट हम आते हैं कवर लार्ज एरिया एबल टू नेविगेट। ऐसा है कि अगर आप देखेंगे, जब गंगा के रिवर की बात कर लिए, उत्तराखंड से लेकर के आपको पूरा बांग्लादेश के पार्थ सुंदरबन के पास तक जाते हैं, हमें लगता है कि कई हजार किलोमीटर आसपास इनकी पूरी जर्नी, पूरी लेंथ होगी। तो इस वजह से दूसरी चीज़ ये, एक चीज़ और कि इनमें वाटर लेवल हमेशा होता है, और इस वजह से ये होता है कि इनके जो है कि नेविगेबल एरिया में जाती है। नेविगेबल का मतलब ये हो गया कि वो रिवर के में से हम ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन का सिस्टम इस्टेब्लिश किए। जैसे एंशियंट समय में, अगर आप एंशियंट इंडिया में महाजनपद के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, तो उसमें ये जिक्र मिलेगा आपको, 16 महाजनपदों में से एक जो जनपद बहुत ही स्ट्रांग है, जिसको मगधा बोला जाता है पटना के पास, वो इसीलिए ज़्यादा डेवलप हो चुका, इसीलिए ज़्यादा पावरफुल बन सका कि उसको नेविगेबल की प्रॉब्लम नहीं होती थी, वो आसानी से रिवर के थ्रू पूरे नॉर्थ इंडिया में ट्रेवल कर सकता था। आप एग्जांपल सही ले सकते हैं, अगर उसको आना पड़ता था दिल्ली, तो वो अगर मगध को दिल्ली आना पड़ता था, वो आसानी से आ जाते थे, गंगा में आए, गंगा से सीधे आकर के इलाहाबाद से अपना क्रॉस कर ले, जो कि आप आ जाएंगे यमुना में, यमुना जो कि आएगा, जो कि दिल्ली के किनारे से निकल करके बहता। अगर वो चाहें कि नहीं हमें बघेलखंड या बुंदेलखंड एरिया या एमपी वाले एरिया में जाना है, तो वो यमुना से भी क्रॉस होकर केन बेतवा रिवर पकड़ सकते हैं, चंबल रिवर पकड़ सकते हैं, ठीक है, चंबल, अगर आप उनको कोटा जाना तो चंबल भी, जो कि कोटा, शिप्रा जाना, मतलब जो उज्जैन है, शिप्रा रिवर के किनारे पे है, वहाँ भी वो पटना से, जो कि केवल केवल रिवर के माध्यम से, या कलकत्ता से कर सकते हो, वो रिवर के माध्यम से आ सकते हैं। तो इस वजह से महाजनपदा बहुत स्ट्रॉन्ग एक किंगडम बना हुआ था। दूसरी चीज़ें आते हैं ये, इस वजह से जो है कि लार्ज एरिया कवर करते हैं नेविगेबल। और एक चीज़ और मैंने, तो नेशनल वाटरवे जो इंडिया का पहला है, हमें पता है कि हवा से हल्दिया के बीच में बना हुआ है, तो ये भी एक एग्जाम्पल है कि नहीं, हम इसमें नॉर्थ इंडिया के नेविगेबल को आसानी से, जो कि हम डेवलप कर सकते हैं। लेकिन पेनिनसुलर केस में नहीं होता है। क्यों नहीं होता? रिवर छोटी होती है, वाटर लेवल कम होता है, और जो कि इनका जब वाटर लेवल कम होता है, तो अब ऐसा थोड़ी कि रिवर जो कि ज़बरदस्ती उसमें पानी भरा जाएगा, ऐसा नहीं पॉसिबल है। नेक्स्ट आते हैं, जो लास्ट आते हैं, फॉर्म मेंडर एंड द लंडोसॉफ। मेंडर ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई जिग जैग चलते हैं, ऐसे चलते हैं रिवर, ऐसी चलती है ये, इस तरह से इस चलते। तो इस वजह से इस तरह का जिग जैग बनाते, और कभी ऐसा आता है कि ये यहाँ के बीच में ऐसे जाकर के गोख या ऑक्स लेक बाउल लेक बन जाता है, इसी को कहते हैं। लेकिन पेनिनसुला रिवर केस में हम ऐसा नहीं देखते। क्यों? क्योंकि जो वहाँ का रॉक है ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम इरोड नहीं कर पाते, लेकिन नॉर्थ इंडिया का जो हिमालय रिवर है ये आसानी से इरोड कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन का नेचर कैसा पूछेगा, वो कंपेरिजन पूछना शुरू कर देगा, या पूछेगा पेरेनियल रिवर है, या ये पूछ सकता है कि हिमालय रिवर जो कि पेरेनियल
रिवर है, क्यों है, ये स्टेटमेंट बेसिस पे पूछ सकता है। दूसरी चीज़ ये अप्लाइड क्वेश्चन के बारे में पूछे, ये वेल डेवलप्ड नेविगेबल के लिए सुटेबल है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिवर लिंक की प्रोजेक्ट चल रहा है, कहीं ना कहीं इसको ये सक्सेसफुल बनाता है और पेनिनसुला रिवर में, पेनिनसुला जो रिवर होती है उसमें इतना ये जो कि अच्छा नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि ये भी पूछ सकता है कि जो रिवर है पेनिनसुलर की वो पूरे साल जो कि वाटर से लबालब या पूरी तरह से भरी होती, ये भी नहीं होता है, क्योंकि ये केस जो कि पेनिनसुला के केस में नहीं होता, ये हिमालयन रिवर के केसेस में ये होता है। तो हमने ये डिस्कस किया बस थोड़ा सा, दूसरी ये भी चीज़ है। आगे ऐसे ही हम कंपेरिजन करके चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न प्लेन और ईस्टर्न प्लेन के बारे में हम आकर के और डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में से थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।